हर साल 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे हम लोग नेशनल हॉकी डे मनाते हैं, और क्यों ना मनाएं जबकि उन्होंने हमें 3 गोल्ड मेडल ला के दिए हैं ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी की तरफ से। तो आज इसी इम्पॉर्टेंट डे के तहत हम लोग बात करते हैं कि स्पोर्ट्स का लॉ का क्या कनेक्शन है और लॉ में स्पोर्ट्स की क्या जगह है। तो आज हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कि स्पोर्ट्स लॉ क्या होता है। स्पोर्ट्स लॉ में कोई इंसान अगर कैरियर बनाना चाहे तो वो कैसे बना सकता है। और नंबर 3, कि इंडिया की टॉप लॉ फर्म्स कौन सी हैं जो टोटली डेडिकेटेड हैं स्पोर्ट्स लॉ से, और टॉप लॉयर्स कौन से हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी हर्षिता निषाद एंड यू आर वॉचिंग लीगल लाइफस्टाइल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स लॉ क्या होता है। तो देखिए, लॉ में जो भी लॉ मेकिंग का पार्ट होता है उसको या तो सेंटर बनाती है या तो स्टेट बनाती है। तो अगर सेंटर बनाने की पावर रखता है तो वो सेंटर लिस्ट में आता है, मतलब यूनियन लिस्ट में आता है। और अगर स्टेट के पास ये पावर है कि उससे रिलेटेड लॉ बना सके तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक जिस पर दोनों ही लॉ बना सकते हैं तो उसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो जो हमारा स्पोर्ट्स है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अगर आपका स्टेट चाहे तो स्टेट और सेंटर चाहे तो सेंटर लॉ बना सकता है। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, फिर भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है इंडिया में। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको स्पोर्ट्स लॉ में कैरियर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं। आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आप मानते हैं कि आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होगा आपको एक स्पोर्ट्स लॉयर बनने के लिए। आपको बेसिक BLLB और LLB तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद अपने मास्टर्स डिग्री करते टाइम आप ये सब पढ़ सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग लॉ इन इंडिया, स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिशन लॉ, स्पोर्ट्स एंड आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन लॉ, स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये सारे तो हमने मेजर टॉपिक्स बताए और जिन पर कई सारी किताबें हैं जो आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। साथ में ही आपको अपना PG करते टाइम स्पोर्ट्स को एज अ लॉ, एज अ सब्जेक्ट लेना होगा। फिर उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है स्पेशली लॉ स्टूडेंट के लिए जो ज़्यादा डिस्कवर अभी तक नहीं किया गया है। तो इसमें एक ग्लास सीलिंग होती है, मतलब ये कि जाने बचाने लोगों को काम जल्दी मिल जाता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए होता है कि आप टॉप लॉ फर्म के कनेक्शन बनाएं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया की वो कौन सी टॉप लॉ फर्म्स हैं, कौन से टॉप लॉयर्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं अगर आप उनके साथ इंटर्नशिप करें। तो सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में आता है टॉप लॉ फर्म में तो है वो LLP। LLP कंपनी है एक टॉप लॉयर जिनका नाम है नंदन कामत। दूसरा लॉ फर्म जो हमारे दिमाग में आता है वो है AM लॉ फर्म एंड स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन। ये है अहाना मेहोत्रा की एक टॉप स्पोर्ट्स लॉयर है इंडिया में फीमेल, तो इनके अंडर में आती है ये लॉ फर्म। तीसरी लॉ फर्म जो है वो है LLC। हम जैसा कि आप सभी पैरालंपिक्स में देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा सिल्वर मेडल्स आ रहे हैं, और अभी नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल लाया इंडिया के लिए, तो हम लॉ स्टूडेंट भी लॉ के करते हुए स्पोर्ट्स में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। कहते हैं ना, जैसे कि हवाओं में इश्क होता है वैसे ही हवाओं में लॉ भी है, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे लॉ प्रेजेंट है। इसीलिए अगर आपको स्पोर्ट्स लॉ में भी इंटरेस्ट है तो आप लॉ के साथ स्पोर्ट्स कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेजर ध्यानचंद जी को बर्थडे विश करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इंडिया के हर एक लॉयर में जो यूथ हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आपको यहाँ पे वीडियो मिलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द टाइम, फील योर फील एंड लिसन टू योर इनर वॉइस।